हेलो सलाम वालेकुम। हाँ बोल जी भाई, सब खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह की है। अभी मेरी बात हो गई सर से, वो बोले हैं कि आपस का इख्तलाफ इस समय इस तरीके से ना करो और माहौल ठीक नहीं चल रहा है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। ये हम लोग की आपस की बात है, 16 तारीख को देख लिया जाएगा। बात सुन, तू पहले तो तुम को भाई बोल के बात मत कर, मेहरबानी कर मेरे लिए। और सुन ले, भाई ना बोलू तो क्या बोलू, बहन बोलू? मैं देखू क्या बोलू, अरे मैं देखू क्या बोल रहा, तेरे जुमले तेरे बात में रख। तू एक गुस्सा के रसूल है और हम एक आशी के रसूल है बेटा। अरे भाई आपके मुंह की बात हम कैसे मान ले मेरे भाई, साबित कर दो। अरे तुम साबित कर दो तो हम मेरे भाई हम बनने के लिए तैयार है ना बरेलवी मेरे भाई, हमें कोई नाराजगी थोड़ी ना किसी से। ऐसा क्या आप साबित कर दो कि हमने अल्लाह के नबी की शान में ये तौहीन की वो तौहीन की, हम अभी तौबा करेंगे, सुबह का अच्छा, सूरज बाद में आएगा, हम इंशाल्लाह तौबा करेंगे। एक मिनट अप्पू खान, मेरी बात सुनो जी। जाकिर नाइक की जो क्लिप है जिसके अंदर जाकिर नाइक ये बात बोल रहा कि आज के तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मांगना हमारे लिए हराम। हाँ क्या हो गया इसमें, देखो ना सही बात है क्या? हाँ सही बात है। हाँ 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 क्या बात है, यही तो फर्क है तुम्हारे में हमारे में। तो भाई सही है ना, अल्लाह के होते हुए अल्लाह के नबी से काहे के लिए मांगेंगे, जो भी मांगना है अल्लाह से मांगेंगे ना। या कना अब्दु या कनस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं तुझे से ही मांगते हैं। अरे वो तो हमको सब मालूम है, अल्लाह कुल्ले शैन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। हाँ तो अल्लाह से मांगिए ना, अल्लाह के नबी से काहे के लिए मांगेंगे? अल्लाह से नबी से भाई अगर आप मांगेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा ना। ऐसा क्या? अच्छा तो भाई शिर्क आपके वहाँ क्या होता है, ये बताइए भाई। मांगना शिर्क होता क्या भाई? अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से अगर आप मांगेंगे गैब में कोई चीज तो ये शिर्क हो जाएगी ना। शिर्क हो जाएगी क्या? हाँ यही तो हम कहते हैं, बरेलवियों का जो तौहीद है ना वो बहुत कमजोर है। अच्छा 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 अच्छा, तो जो हदीसे तो जो रिवायतें आती, क्या जब मदीना के अंदर एक वक्त में पानी नहीं आ रहा था और एक साहबी रसूल सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार पे जाके उन्होंने दुआ करे थे, तो क्या उन्होंने भी शिर्क करे थे क्या? भाई ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इस दुनिया में ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। अच्छा तो ये इसके लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब फारूक खान रिजवी साहब वहाँ आ जाएंगे तो इसीलिए तो मेरे प्यारे भाई मैं कह रहा हूँ कि उनके आने का वेट कीजिए, अभी मेरे भाई 16 मार्च में बहुत दिन बाकी हैं। आएंगे तो अगर वो मेरा नाम लेके चैलेंज करेंगे तो आमने सामने सुकून से प्यार एकदम प्यार मोहब्बत से बात होगी, मुझे उनको कोई मतलब ना तो बेइज्जत करना है ना कोई उनसे फालतू बकवास करनी है, दीन की बात करनी है भाई। मैं क्या पूछ रहा, अगर उनकी बात ठीक होगी तो मैं मानूंगा ना, तौबा करूंगा ना, मेरी बात ठीक होगी तो भैया अपने सामने वाला मान लेगा, इसी चीज का तो होता है मुनाजरा, कोई मारपीट का थोड़ी ना करना है, अपने को आराम से बात करनी है भाई, अल्लाह और अल्लाह के नबी की, कोई जातियात पे थोड़ी ना हमला करना है उनकी, हमको हमको तो उनकी इज्जत करते हैं। अच्छा इज्जत करते करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना भाई? देखिए एक होता है जातियात पे हमला करना, तो जातियात पे कभी हमने हमला नहीं किया, जब भी कोई इल्मी बात होती है अकीदे का इख्तलाफ होता है वो हम करते हैं। कभी क्या मैंने उनकी अम्मा बहन को क्या माज अल्लाह उल्टा सीधा बोला गालियाँ दी? अच्छा तो मैं क्या बोल रहा, अगर जाकिर नायक इतने हक्कानियत पे है तो कोई अहले सुन्नत से कोई मुनाजरा क्यों नहीं करता, इसका तो जवाब दो। क्योंकि अहले सुन्नत तो वो है ही है, तो वो अपने अहले सुन्नत से काहे के लिए करेंगे, जो मतलब बरेलवी और बिदती है उनके लिए उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर कोई ऐसा अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने दम पे भाई अगर वो 10,000 लोगों को इकट्ठा कर ले पब्लिक कर सकता तो मैं उससे मुनाजरा करूंगा, तो मुनाजरे में ऐसी कोई शर्त नहीं रखा कर, जो शर्त है ना, ये जो तुम शर्त बता रहे ना अभी, नहीं मेरी शर्त नहीं है उनकी शर्त है ना मेरे भाई, अब वो कोई हल हर मेरे भाई वो लुल्लू पंजू से थोड़ी ना बात कर लेंगे, आप बात समझ रहे हैं? तो मुनाजरे के अंदर कोई ऐसी देखिए आप तो उनकी बात हटा दीजिए, जब वो इंडिया में है ही नहीं तो उनको हटाइए, वो जो काम कर रहे हैं तो वो सही है तो मानिए। अरे जर्जिस तो है,
जर्जीस है तो भाई उससे क्या लेना देना, मेरी बात किससे हुई थी? तो मेरी बात शाहरुख खान साहब से हुई थी ना, उन्होंने हमसे बात करने को बोला था ना, उन्होंने हमसे कहा था ना कि मैं 16 मार्च को आ रहा हूँ इसलिए तुम मतलब डर गए, उन्होंने हमको कहा था ना। तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे को इंशाल्लाह 16 तारीख को मैं कॉल करता हूँ। मेरे को फोन करो और साथ में मेरे भाई फारूक खान साहब को भी फोन करो कि फारूक खान साहब आप 16 मार्च को 7 तारीख के पहुंच गए हैं, अफसर खान का नाम लेके चैलेंज मतलब आपको करके आना है, ये बरेलियों की इज्जत की बात है। तुम और राकेश में कोई फर्क नहीं रहा क्या? तुम ये भाई असल बात ये है ना, देखिए हमें मेरे भाई डेली मेरे भाई 8-10 लोग चैलेंज करते हैं डेली। मैं क्या बोल रहा, तुम्हारे को पब्लिसिटी करना है तुम्हारी, क्या तुम्हारा भाई? अच्छा एक चीज बताइए, पब्लिसिटी मेरे भाई वो करता है जिसको कोई जानता ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज्यादा हंफियों से बात की है अलग अलग उनवान पे, ठीक है? अच्छा, लाखों लोग हमको जानते हैं, तो मेरे को पब्लिसिटी, और पब्लिसिटी अगर करना होता तो क्या हम ये अफू नाम से करते? ये बताओ, अगर हमें फेमस होने का शौक होता तो जो मेरा जो नाम है, जो मेरे अम्मा अप्पा ने रखा है, मेरा नाम है अहमद, तो मैं अहमद अच्छा। नाम से भाई मैं आता ना मैदान में, लेकिन जो मेरा भाई जो लोग हमें प्यार से अफू बोलते थे तो मैं अफू नाम से आए। अच्छा। अगर मुझे अपने आप को मतलब फेमस करना होता और अपनी जात के लिए काम करना, मैं तो कोई पैसा भी नहीं लेता हूँ दिन के, आप समझ रहे हैं? मैं तो अपना मेरे भाई जॉब करता हूँ, कारोबार भी हमारा चल रहा है, मैं तो दिन के लिए कोई मतलब ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि दिन का काम करूंगा तो मेरे को 4 पैसे मिलेंगे। जब तुम दिन के काम करने के लिए ही है, जब तुम दिन का काम कर रहे हो तो इसमें ये शर्त क्या जरूरी है कि फारूक खान जिसमें स्टेट से तुम्हारे को चैलेंज करे? भाई एक चीज बताइए, जो हमारी मेरे भाई जमीयत है, जब वो भाई वो जो हमको भाई जमीयत सपोर्ट मेरे भाई कब करेगी? जब वो आएगा इलाहाबाद हमारा नाम लेके चैलेंज करेगा, तभी तो मेरे भाई जमीयत में हम बात को रखेंगे कि ये आए थे, इन्होंने मेरा नाम लेके चैलेंज किया है, तभी तो मेरे भाई जमीयत का सपोर्ट लेंगे। आप जमीयत को क्या समझ रहे हैं? जमीयत कोई मतलब वो है खेल, मतलब भाई वो हंसी खेल मजाक है? जर्जीस का नाम लिए नहीं लिए, मुनाजरे के लिए, चैलेंज के लिए भाई, उनका लेवल बहुत हाई है मेरे भाई। फारूक खान ऐसे मेरे भाई 100 लोग आ जाएंगे तो एक उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, तो देखिए भाई वो लेवल लेवल की बात होती है। जर्जीस कितना हाई लेवल है, हम भी भाई जानते अच्छे से। जिस तरीके से भाई वो मंत्र पढ़ते हैं, हदीसे पढ़ते हैं, आयते पढ़ते हैं, उस हिसाब का मेरे भाई सामने वाला भी होना चाहिए ना। ये तो ये मंता शब्बा हब्बा ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भाई देखिए आदमी अपने जो स्टैंडर्ड का होता है उससे बात करता है। अरे तो भाई अब्बा शब्बा हब्बा जो तुम बता रहे ना, तो वो जो जो आयत जो उन्होंने हदीस की जो आयत जो पढ़े उन्होंने वो वक्त में, तो वो उनका चैलेंज क्या है वो ये नहीं बताना चाहते ना तुम्हारे को, मैं बहुत बड़ा काजी हूँ, ऐसा कहा बोला फारूक खान जिसमें आज तक? तो मेरे से सूफी कलीम जब आपका बात कर रहा था तो मेरे से क्यों कर रहा था कि अरबी में हदीस पढ़ो, सनत पढ़ो, बिदत की तारीफ अरबी में करो? तो मैंने भी आज तक कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा कारी हूँ। तो मतलब जब अहले हदीस का बच्चा देखते हैं तो आप लोग को अरबी, ठीक अरबी आ जाती है, अल्लामा देखते हैं तो उनके सामने अरबी की हवा फूस हो जाती है। मेरे प्यारे भाई जलालुद्दीन कासमी साहब ने पहले ही मेरे भाई फारूक खान साहब को चैलेंज कर दिया है कि मैं सौ हदीसें पढ़ रहा हूँ, तुम मेरे भाई 50 हदीसें अच्छा। पढ़ के बता दो, और जो बीच में भूला बस खुद ही हार गया। बोले मुनाजरा हदीसें पढ़ने से नहीं होता, कोई कुरान हुआ करता मुनाजरे का, मुनाजरा हदीस पढ़ने के लिए था भाई। हदीस नहीं पढ़ेंगे तो क्या अपने इमाम को मतलब पीर बाबा को कॉल पढ़ेंगे? अरे कोई टॉपिक रहता है शरीयत का मुनाजरा, ये होता है कि ये उनवान है हमारे, इस उनवान पे ये हदीस हमारी दलील है। जैसा अब मुनाजरा हो रहा है यार रसूल अल्लाह के ऊपर, क्या यार रसूल अल्लाह पुकारना जायज है कि ना जायज है? हाँ तो इस पे उनको हदीस पढ़ना पड़ेगा ना अरबी में। हाँ अब इसके ऊपर, हाँ अब इसके ऊपर हदीसों की दलील लगेगी। मैंने उनकी इतने लेक्चर देखे, उन्होंने एक भी हदीस को बिना मतलब देखे उन्होंने पढ़ा ही नहीं, वो लैपटॉप खोल के देख के वो भी उल्टी सीधी हदीस पढ़ते हैं, और जो बिना देखे पढ़ लेते हैं वो तो पढ़ ही नहीं पाते। अरे वो तो किताब बता देना तुम्हारी, जो किताब है लिखी तो किताब बता देना। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए हम ये कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, सबका अलग अलग भाई इल्म है, ठीक है उससे कोई बात नहीं है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है, तो किसी की मतलब बेइज्जती हम नहीं करते हैं। हो सकता है हदीस अच्छा। उनको आती हो, लेकिन भाई वो मतलब भाई
पढ़ ना पाए हो, भूल गए हो, इंसान है भाई, इंसान से हो जाती है गलती, ठीक है। ये बात है बरोबर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी इंसान है, हमसे भी मतलब बहुत गलती होती है, कभी आए थे कभी हम मतलब भाई उल्टी सीधी पढ़ देते हैं, कभी हदीसी उल्टी सीधी पढ़ देते हैं, तो हम भी इंसान है, उसमें कोई मतलब इतना मुद्दा नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है मेरे भाई, अगर वो आएंगे, अगर उनको बात करना होगा तो वो खुद बोलेंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं हम अपना इलाहाबाद छोड़ के भाग जाएंगे, अपना लाखों का मकान छोड़ के भाग जाएंगे, हम तो मेरे भाई यहीं पे रहते ही हैं। वो आएंगे, अगर वो मेरे भाई चैलेंज करेंगे तो जमीयत से मेरे भाई उनको बाउसूल मेरे भाई कायदे से इज्जत के साथ भाई उनको आराम से लेटर भेज दिया जाएगा, एक दिन तय कर लिया जाएगा, एक दिन बैठ के उसूल तय होंगे, उनवान तय होगा, और इलेक्शन के बाद सुकून से पांच लोग उनकी तरफ से, पांच लोग भाई अपना हमारी तरफ से, कैमरे के सामने आराम से बात हो जाएगी, वो उसको अपना अपलोड कर देंगे, हम अपना अपलोड कर देंगे, सुकून से बात हो जाएगी। इसमें काहे के लिए फितना फसाद फैलाना, इलेक्शन का टाइम है, माहौल इस समय आप मेरे भाई देख रहे हैं, ठीक है, हर जगह मेरे भाई सब कुछ हो रहा नुक्का चीनी, तो इसलिए बहुत संभल के काम करना है भाई, अपनी उम्मत को भी सेव करना है, कोई ऐसा नहीं है कि बस इलेक्शन के टाइम ये मतलब जो बरेली हैं और जो अहले हदीस हैं आपस में एकदम भिड़ जाएं और मारपीट करने लगे, दंगा हो जाए, तो ये सब नहीं चाहते ना। इलेक्शन इलेक्शन से तुम्हारा क्या मतलब, खासदार के टिकट लड़ रहे क्या कोई? क्या चीज इलेक्शन से मनोला तुम्हारा क्या ताल्लुक है, खासदार के लिए टिकट लड़ रहे क्या भाई? अगर आपको कानून पता होगा तो आपको ये मतलब भाई इस टाइप से मालूम होगा कि जो होती है आचार संहिता वो जब लागू हो जाती है तो कोई भी माशरे में कोई अगर ऐसी बात को अपलोड करता है जिससे एक मतलब जो होते हैं मानने वाले अकीदे के आस्था के अगर उनको ठेस पहुंचती है तो ये कानूनी भाई ये अपराध है। तो हम लोग को मेरे भाई जो कोर्ट है कोर्ट कायदे कानून के हिसाब से काम करना है, क्योंकि आप जानते हैं चार बातें भाई अगर वो हमको कहेंगे तो चार बातें हम उनको कहेंगे, इससे जो आस्था है भावना है उसको ठेस पहुंचेगी, और अगर भाई वो इलेक्शन के टाइम अगर वो चीज मेरे भाई आवाम में आ गई वायरल हो गई तो ये कानूनी अपराध है। तो कुछ सोच मतलब इतनी हड़बड़ी काहे की है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको कहीं जाना है दुबई या हमको कहीं जाना है दुबई, अरे रहना इंडिया में ही है, जब टाइम होगा आमने सामने बैठ के सुकून से बात होगी ना दोस्ताना अंदाज में, कोई मतलब वो झगड़ा फसाद थोड़ी ना करना है भाई। वो भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी मानते हैं, बस जो मानने का जो मतलब जो अकीदा है तरीका है वो उनका अलग है हमारा अलग है, बस बात खत्म हो गई। बहरहाल कोई बात नहीं, फारूक खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, ठीक है, बड़ा भाई इंसानी तौर पे बेशक वो हमारे भाई हैं, लेकिन जहाँ अकीदे की बात होगी तो वो भाई वहाँ पे इख्तलाफ है। अब इख्तलाफ का माना ये थोड़ी ना है कि मैं उनके साथ मारपीट करने लगूं, भाई बड़े हैं वो हमारे, वो हमें दो हाथ मार देंगे मैं खा लूंगा क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन जहाँ बात मेरे भाई इल्मी इख्तलाफ की होगी वो तो अपनी भाई अपना साइड में होता रहेगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वही कहने का मकसद है थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि भाई मेरे पास भी पता है मैंने जो इन पांच लोगों के नंबर जो बांटे थे वो काहे के लिए बांटे थे मैं आपको बता दूं। तुम्हारे वीडियो मैं मुसलसल देखता आ रहा हूँ आज तक, मैंने अभी तक इसलिए रिंग नहीं करा आपको कि आपने कोई ऐसी हरकत करी थी नहीं कि जिससे कोई परेशान हो जाए। तुमने जब वो पांच लोगों के नंबर बांटे मैंने वो यूट्यूब पर सुना, उसके बाद में मैंने ये तुम्हारा नंबर क्यों बांटे मेरे भाई, इस चीज को आप समझिए, मेरा भी भाई ऑफिस है, काम है, फैमिली है, मेरे पास ये लोग फर्जी मेरे भाई अफवाह के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैंने जबकि एक बार बोल दिया था कि अब जो भी होगा 16 मार्च के बाद आराम से होगा, इन लोगों ने एक एक वीडियो को 18-18 मतलब जो चैनल हैं उन पे अपलोड किया, तो मैंने कहा और उनके जो मतलब जो मानने वाले थे उनके फोन हमारे पास आने लगे, क्या 16 तारीख को आओगे ना, भाग तो नहीं जाओगे, ये तो नहीं होगा, तो मैंने जो ये पांच लोग थे जो ज्यादा कूद रहे थे इनके नंबर हाँ उसको हमने बांटा कि इनके पास फोन करो और इनसे पूछो कि फारूक खान वो आएगा कि नहीं, वो अफू खान के नाम को लेकर चैलेंज करेगा कि नहीं, इनके लोग हमारे पास पूछ रहे हैं पहले इनसे तो पूछ लें, तो इसलिए भाई इनका बांटा था, बाकी का मेरे भाई इतने सालों से क्या आज तक बांटा किसी का नंबर भाई, कोई भी इंसान होगा अभी मैं हूँ, मैं आपके नाम से मर वीडियो पे वीडियो अपलोड करता जाऊं और आपके पास दुनिया भर के मेरे भाई फोन मतलब भाई आना स्टार्ट हो जाए
और आपको मतलब परेशान करें, अबे तेरी औकात है क्या, अबे तेरी औकात है क्या, तू तो कुत्ते की औलाद है, तू तो सुअर की औलाद है, तो आप भी मेरे भाई परेशान होकर कहोगे कि पहले ये लो अफू खान का नंबर, पहले इससे तो पूछ लो कि इसकी औकात है कि नहीं बात करने की। तो ये मतलब उस पे होता है इल्जामी तौर पे, कोई नंबर बांटने का शौक थोड़ी ना है यार, इनको जानते ही कौन इन लोगों को, लेकिन फर्जी मतलब बने हुए कुकुर मुत्ते टाइप के, तो कभी कदार अपसेट हो जाता है मूड यार। भाई फैमिली है, माँ बाप है, अम्मी अब्बू है, उनको भी देखना है मेरे भाई, जिम्मेदारी है। अब हम मतलब ये लोग चाहते हैं मतलब 24 घंटा फोन पे बात करते रहे, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता और कोई के साथ नहीं हो सकता। और फारूक खान साहब का तो मैंने उनका जो नंबर था वो तो मैंने बांटा ही नहीं, मैंने सिर्फ जो मतलब उनके नाम से जो वीडियो अपलोड कर रहे थे पांच लोग उनका नंबर मैंने बांटा है, फारूक खान साहब का नंबर क्योंकि हम जानते हैं बेचारे भाई को वीडियो तकरीर में होंगे तो उनका नंबर मैंने बांटा ही नहीं, उनका नहीं है, बोल ही जाना उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास, उनका नंबर है, कितने लोगों ने हमसे मांगा कि भाई जरा लो नंबर हम बात करें, मैंने कहा नहीं भाई, भाई आलमी दीन है वो, ठीक है, हो सकता है कहीं मेरे भाई सफर पे हो, रास्ते में हो, कहीं मेरे भाई बात कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, किसी को मतलब भैया मतलब एकदम मतलब भैया परेशान ना करो, क्योंकि इनके भी मतलब भाई फैमिली होगी यार, हम क्यों किसी को परेशान करें, हमको अल्लाह के वहां हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इन पांच लोगों ने अति कर दी, 24 घंटा सारे लोगों को फोन कर करके, पूरे मतलब भाई जो जो हमारे साथी थे उनको फोन कर करके, ये बताओ अफू की फोटो है, अफू की फोटो है, अरे भाई तुम्हें फोटो से क्या लेना देना, जब आमने सामने बात होगी तो मैं आऊंगा ना सामने, या मैं अभी से फोटो अपलोड कर दूं ताकि तुम लोग उसको मतलब भाई वो कुत्ता बना दो, बिल्ली बना दो, सुअर बना दो, जब फोटो नहीं है तब तो मेरे को मतलब भाई वो हिजड़ा किन्नर बना दिया, तो सोचो फोटो अपलोड कर दूंगा तो क्या होगा। इसीलिए मैं बहुत एहतियात से काम करता हूँ, मेरे को दुश्मनी नहीं पालना है, मैं तो सबको एक करना चाहता हूँ भाई, मेरी गलती हो तो मेरे को बताओ, मैं इंशाल्लाह तौबा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बताओ तो, सामने वाला बताता भी नहीं है, और सिर्फ नहीं तुम तो बस ये हो गुस्ताख हो, तुम तो वहाबड़े हो गए, तुम तो फला हो गए, तो भाई ठीक है, तो यही सब मामला है भाई, कोई दुश्मनी हमें किसी से नहीं है। तो बहरहाल वक्त का तकाजा है, वक्त आने दो, अल्लाह ताला हक को हक और बातिल को बातिल कर देगा। वही कहने का मकसद है ना, देखिए इंसान को सब्र करना चाहिए, इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, 16 मार्च अभी बहुत दूर है इंशाल्लाह, और हम खुद चाहते हैं मेरे भाई हक की जीत हो, अगर फारूक खान साहब अगर वो हक पे हो तो अल्लाह ताला हमको हिदायत दे दे, अगर हम हक पे हो तो उनको हिदायत दे दे, हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं बस किसी भी तरीके से हम जीत जाएं, नहीं भाई आपको जीतना नहीं है, हमें तो जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात है वो मेरे भाई सामने आ जाए, हमको उसको मान लेना है, मुझे अपनी आखिरत देखना है, हम दुनिया में हार जाए जीत जाए कुछ बन जाए उससे मतलब नहीं है, आखिरत में अल्लाह के सामने क्या है मेरे भाई, मान लो दुनिया में लोग हमको अल्लामा बना दें और आखिरत में हम जाएं और अल्लाह ताला हमको जहन्नम में डाल दें तो मेरे किस काम का अल्लामा गिरी, तो हमको अल्लामा नहीं बनना है भाई, हमें दीन का दाई बनना है कि हमें जो बात अल्लाह और अल्लाह के नबी की हो वो मेरे भाई सामने आ जाए बस, और इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा जब आमने सामने इंशाल्लाह अगर बात होगी ना तो आप खुद कहेंगे कि मैंने कितने सुकून से और एकदम मेरे भाई दोस्ताना अंदाज में बात की है, मैं उनसे मेरे भाई बात करते हुए भी आराम से एकदम अच्छे से बात करूंगा, ठीक है उनके साथ मतलब भाई वो मतलब एकदम एक मतलब होता नहीं है बड़ा भाई एकदम उसकी तरह एकदम मतलब भाई हंसूंगा, ठीक है मजाक भी अपना बीच में हो जाएगा, साथ में आराम से खाना भी खाएंगे, मतलब ये पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे हो रहा है ऐलान जंग, ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ दीन की बात होगी और आराम से आपस में एक भाई की तरह इख्तलाफ होगा, तो ये मैं चाहता हूँ। देखिए YouTube पे बात करना फोन पे बात करना वो अलग चीज है, आमने सामने जब होता है ना तो वो हमको इज्जत देंगे, हमको उम्मीद है इंशाल्लाह, और हम तो उनको इज्जत भाई हम देंगे देंगे, क्योंकि वो जैसे भी हैं भाई वो भाई हैं अपनी उम्मत के यार, अकीदा मेरे भाई वो साइड में है, वो सब तो मेरे भाई चलते ही रहेगी लड़ाई, वो तो सैकड़ों साल से चल रही है, लेकिन इसका माना ये थोड़ी ना कि हम जातियात से और माँ बहन तोड़ने लगे किसी की, भाई उनकी माँ भी अपनी माँ है ना, तो फिर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 16 मार्च का भी सबसे इंतजार है मेरे को, हाँ इंशाल्लाह, और उसमें कोई 16 मार्च को अगर फारूक खान साहब वहाँ आते हैं तो कोई बातचीत उनसे है ही नहीं, देखिए 16 मार्च उनका प्रोग्राम कहाँ पे
ठीक है, इलाहाबाद में और कौन लोग करवा रहे हैं मेरे को भाई पता ही नहीं। वो जब आएंगे तो मतलब जो पर्चा वर्चा होता है भाई वो छापा जाएगा, जब पता चलेगा तो मैं खुद जाऊंगा उनके प्रोग्राम में देखने भाई, मैं खुद बैठ के देखूंगा। अगर वो भाई वो हमारा नाम लेके चैलेंज करेंगे तो मैं उसका वीडियो अपना बना के वहाँ के जो आलमी दीन होंगे मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बोल दूंगा कि शेख ऐसी सी बात है, अब आप लोग बस हमारा थोड़ा सा साथ दीजिए और उनसे अपना ले लेंगे लेटर और आराम से उसको भाई अपना अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद आराम से अब हम उनसे फोन पे बात ही नहीं करेंगे, अब जो आलमी दीन होंगे वो मतलब जो उनके जो होंगे आपस में बात करेंगे, एक दिन तय होगा, टाइम तय होगा, जगह तय होगी, ठीक है, जहाँ वो कहेंगे आराम से बात हो जाएगी। भाई बात ही तो करना है, कोई मारपीट कोई ये तो ही ना है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है और मार भिड़े जा रहे हैं, नहीं, उनको दिफा करना है अल्लाह और अल्लाह के नबी का, हमको भी दिफा करना है अल्लाह और अल्लाह के नबी का, भाई दोनों का मेरे भाई जो मंजिल है एक ही है, बात जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं और रास्ते को एक करने के लिए ही बात करना है कि भाई आप जिस रास्ते से मतलब जाना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं इस रास्ते से चलो, तो अब रास्ता कौन सा है सीधा उस पर बात होनी है और इससे आवाम का इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, चाहे भाई वो मतलब आपकी आवाम हो बरेलवियों की और यह हमारी आवाम हो, इससे आवाम का फायदा होगा, आप समझ रहे हैं, किसी का नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जो उनसे हमारी अगर अल्लाह ने चाहा बात हुई तो इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि भैया भाई अफकू खान ने मतलब बदतमीजी की, क्योंकि मैंने आज तक मेरे भाई 2000 से ज्यादा लोगों से बात की, कभी किसी को एक गाली तक नहीं दी भाई, सब लोग ऑडियो सुनते हैं कहते हैं यार तुम कितनी गालियां खाते हो, पलट के गाली भी नहीं देते हो। मैं कहता हूँ भाई गाली दे दूंगा तो फिर उनमें हमें फर्क क्या रह जाएगा, और इंशाल्लाह ये ऐसे ही फेस टू फेस भी होगा, वो सामने वाला कुछ भी जोश में बोल जाएगा, मैं कभी जोश में अपना होश नहीं खोता हूँ, मैं गाली कभी कोई को नहीं देता हूँ और ना इंशाल्लाह। चलिए फिर माशाल्लाह बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहा सुना माफ कीजिएगा, और हम भी आपके उम्मत के भाई हैं मेरे भाई, आप ये ना कहा कीजिए कि भाई ना कहो, भाई हैं, बस क्या है बस हम लोग के रास्ते चेंज हो गए यार, बस आप जहाँ पे आज हो वहीं पे पहले हम भी थे, हम भी कहते थे कि नहीं हम सुन्नी है कौन साला ये सब तो ऐसे है खबीस है ये है वो, हम खुद कहते थे आप लोग की तरह, लेकिन जब पता चला तभी तो मेरे भाई अपना जो मतलब जो रास्ता था वो बाप दादाओं के रास्ते को छोड़ के अब जो भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी का रास्ता है अब उस पे आ गए, बस इतना ही फर्क है। ऐसा नहीं है बरेलवी लोग अल्लाह को नहीं मानते, भाई हम जब बरेलवी थे तो क्या हम अल्लाह को नहीं मानते थे, भाई हम भी अल्लाह को ही मानते थे, लेकिन मानने मानने में फर्क हो जाता था कि नहीं इस तरीके से मानो, और हम ये कहते हैं जैसे अल्लाह के नबी ने माना है वैसे मानो, बस ये फर्क है। और नबी की शान में तौहीन तो मेरे भाई अगर हमने या हमारे किसी आलिम में तौहीन की हो तो आप मेरे भाई बिंदास मेरे भाई ओपन बोल दीजिएगा, हम अपना भी रद्द कर देंगे और बड़ा से बड़ा कोई दुनिया का अल्लामा भी होगा ना उसने भी अगर अल्लाह के नबी की शान में अदना सी भी तौहीन की होगी तो मैं उसकी बात को जूते की नोक पे मार दूंगा, चाहे वो अहले हदीसों का बहुत बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, कोई भी जी। मेरे पास में इतने मौजूद है तुमसे बात करने के लिए, मैं टॉपिक पे हर टॉपिक पे बात कर सकता हूँ तुम्हारे से, लेकिन मसला यह है कि मैं हूँ सफर में, लगे तो आप वीडियो कॉल करके मुझे देख सकते हैं कि मैं अभी फोन से पोजीशन में। नहीं नहीं कोई मसला नहीं भाई, आप आराम से फोन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह तुम आगे को मैं आराम से फोन करके एक बार अपनी अच्छे से बात होगी। हाँ हम तो चाहते हैं दोस्ताना अंदाज में बात हो यार, यार हमारे कितने बरेली दोस्त हैं वो लोग हमको कहते हैं साले सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ते हो, और हम उनको मतलब भैया उंगली करने के लिए करते हैं, अबे तुम्हारी अम्मा भी तो सीने पे हाथ बांधती है, तो इसका माना ये नहीं है, दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक बरेलवी और एक भैया हम, ठीक, दोनों साथ में पहले क्या थे बरेलवी थे, साथ में स्कूल जाना कोचिंग जाना बंक मारना ठीक है घूमने फिरने जाना जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ना, आज क्या है आज भी एक साथ हैं, बस क्या है अरे तुम तो साले सीने पे हाथ बांधने लगे हो, हटो यार, यार जो अम्मी है अम्मी भी तो सीने पे हाथ बांधती है, आपस में बात भी होती है बहस भी होती है और आराम से एक साथ भी हैं, तो यही मैं चाहता हूँ कि इख्तलाफ हो इल्मी इख्तलाफ हो, जातियात पे नहीं कि बस मिल जाओ तो सारे तुम्हें काट डालेंगे फाट डालेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। हमने कहा ये बात करें तुम्हारे, नहीं नहीं मैंने ऐसी बात करा भाई,
इलाहाबाद में कितने बरेलियों के फोन आए, कहीं साले तुम रहते कहो, वीडियो में तुमने आधा मकान दिखाया है, पूरा मकान दिखाओ तो वहीं आके पटक के मारे। इसीलिए असल में मुझे अपना डर नहीं है, बात ये है ना, फैमिली पे मान लो हम ऑफिस चले जाए, अब भाई घर पे अम्मी है, बीवी है, औरतें हैं, लेडीज हैं, अब चार लोग आ जाएं, वीडियो बना लें अम्मा बहनों का, ठीक, तो अच्छा नहीं लगता ना। इस वजह से मैंने वीडियो में अपना जो मकान है उसको नहीं दिखाया, और जो आया था जिसने हमारे मतलब जो उसका बनाया है वीडियो, वो फेस उसको ये भी नहीं मालूम शांतिपुरम में कितने फेस हैं। तो मैंने उससे बात भी की, मैंने कहा भाई तुम्हारी जो मस्जिद है, ठीक है, कादरी मतलब उनकी एक मतलब भाई वहीं पे रोड पे उनकी एक मतलब भाई वो बड़ी सी मस्जिद है, ठीक है, कादरी जामा मस्जिद, तो मैंने कहा था वहां पे मैं 16 मार्च के बाद आऊंगा, आपसे भी आराम से बात कर लूंगा, लेकिन अभी इस समय अपना मतलब जो भाई देखो भाई कोई भी इंसान होगा वो अपनी जो अपना जो मकान है उसका वीडियो बना के कभी अपलोड नहीं करेगा, खासकर हमारे ऐसे लोग जिनके पीछे मेरे भाई सैकड़ों लोग एकदम मतलब भाई वो हाथ धो के पड़े हों। तो फैमिली को भी तो सेव करना यार, कल को मान लो हमला हो जाए, कोई मतलब भाई कोई पथराव कर दे, एलएडी साहब भी जानते मेरे भाई एकदम मेरे भाई उसमें इक्का दुक्का, ठीक, और जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ तो टोटल मेरे भैया कौन है मतलब वही है आरएसएस के लोग, 100 में मेरे भाई एक आधा मकान हो सकता है कि मेरे भैया उनका हो, ठीक है, मुस्लिम हो, वो जो मकान है वो मेरे मामू का है, मामू हमारे भैया इस समय बाहर हैं सऊदी में, तो पिछले 4 साल से इलाहाबाद में, ठीक है, अब मानिए मामू का जो उनका जो मकान है उसका वीडियो अगर भाई मैं अपलोड कर देता हूँ और कोई मान लीजिए अल्लाह न करे हादसा हो जाता है तो मामू तो हमसे कहेंगे ना कि यार तुमने ये क्या कर दिया, तुम क्या पागल थे, बेवकूफ थे, जो मतलब तुमने सोशल मीडिया पे डाल दिया मकान और उसको लाखों लोग देख रहे हैं, तो भाई ये भी तो देखना पड़ता है ना, सेफ्टी भी देखना पड़ता है। अब लोग कहते हैं डर गया भाग गया झूठा एड्रेस, ठीक है भैया झूठा हो चाहे सच्चा हो, हम अपनी फैमिली मतलब हम अपनी फैमिली और अपना मकान उसको तो इतना डाल देंगे मतलब ये खतरे में, कोई बात नहीं ना, मैं बस तुम्हारे 16 मार्च का मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम खुद अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह अगर हमारी आमने सामने बात हो तो जो हक बात हो वो सामने आ जाए। बात बता रहे क्या तुम, तो मैं कोई बात बताऊँ ऐसी क्या कोई अहले हदीस की गलत है तो तुम तौबा करने को तैयार है? मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मेरे प्यारे भाई, अगर कोई भी अकीदा कोई भी अमल ऐसा है जो मेरे भाई कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान के बिल्कुल मेरे भाई उलट है, खिलाफ है, या उससे मेरे भाई मतलब भाई वो टकराता है, तो मैं खुद तौबा करूंगा आपके सामने और आप उसको अपलोड कर देना, कहना देखो अफू खान ने भैया मतलब भैया वो मतलब ओपन बोल दिया तौबा कर रहे हैं, जो आपको करना है, क्योंकि भाई देखो मुझे चाहिए कि मेरे अल्लाह ने क्या कहा है और अल्लाह के नबी ने क्या किया है, बस मुझे दुनिया से मतलब नहीं है ना भैया, ना तो बरेलवी जाएंगे ना तो देवबंदी जाएंगे ना तो भैया जो ये अहले हदीस हैं वो जाएंगे हमारे साथ कब्र में, कब्र में हमको अकेले जाना है ना, तो मेरे को अपने अल्लाह और अल्लाह के नबी से मतलब है, उनकी तालीम आ गई तो फिर भैया दुनिया जाए भाड़ में, फिर उनकी बात को मानना है फिर, तो आप बिल्कुल मेरे भाई आप हमको बताइएगा ढूंढ के, हम खुद तौबा करेंगे, हमें क्या जाता है भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हालांकि सदा है अल्लाह बहुत बड़ा है बेशक। नहीं ठीक है, नंबर इंशाल्लाह आपका अभी वो हम सेव कर लेंगे, क्या नाम बताया था भाई आपने, आपका नंबर से सुन ले, वसीम रजा के नाम से सेव कर लो आप। अच्छा वसीम रजा, ठीक है, कहाँ से हैं? इलाहाबाद से? अकोला, अकोला महाराष्ट्र से, यार बहुत दूर का हूँ। अच्छा अच्छा अकोला महाराष्ट्र से, अच्छा ठीक है नंबर आपका सेव कर लेते हैं, ठीक है, ओके भाई, लास्ट नाम माफ कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आपको बहस होंगी। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, इल्मी बहस में देखिए, इल्मी बहस में 4 बातें, आप हमको बोल दें हम आपको बोल दें, वो मेरे भाई सब मैटर एकदम खलास, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपना वादा कर रहा हूँ कि जितनी इल्मी बहस हो जाए मैं आपके आलिमों को कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है, जो मतलब जो तालीमात है उसको कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन आपकी जात पे या आपकी फैमिली की जात पे इंशाल्लाह कोई 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 मतलब जो होता नहीं है अटैक करना या उनको बीच में लेके आना, वो इंशाल्लाह कभी नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम, कोई बात, वालेकुम।